स्वच्छता में नंबर वन इंदौर शहर को ट्रैफिक में भी नंबर वन बनाने के लिए यातायात पुलिस के साथ विभिन्न संगठनों ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में सागर सामाजिक संस्था द्वारा रीगल तिराहे पर मंगलवार दोपहर को जागरूकता अभियान चलाया गया। यहां यमराज के भेष में युवक ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी। साथ ही इस दौरान जरूरतमंद लोगों को हेलमेट भी वितरित किए गए हैं। यमराज और हमें इंदौर शहर में बुलाया गया है कि हम जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है उसमें लोगों को जागरूक करें। जो लोग अपने जीवन से खेलते हैं, अपने जीवन को अनमोल नहीं समझते हैं, जिनका जीवन हेलमेट से सुरक्षित है, वो नहीं पहचानते कि मेरा जीवन क्या है, मेरे परिवार के लिए मेरा जीवन क्या है। इसलिए उन लोगों को बताते हैं कि आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है, तो अपने जीवन को सुरक्षित करें। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहनें। इस दौरान यातायात सूबेदार सुमित बिलोनिया ने बताया कि यातायात को लेकर 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न तरह से शहरवासियों को जागरूक किया जाएगा। ये सागर सामाजिक विकास समिति द्वारा आज हेलमेट प्रदाय किया जा रहा है, साथ ही यातायात महा जो पूरे देश में चलाया जा रहा है उसके तहत सड़क के नियम, हेलमेट के प्रति जागरूकता और यातायात की समझाइश दी जा रही है समय समय पर, ताकि सड़क एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और सागर सामाजिक विकास संस्था द्वारा हेलमेट भी प्रदाय किए जा रहे हैं। जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे उनके लिए एक तरह का जागरूकता अभियान है। बिल्कुल, ये भी एक तरीके की मुहिम है जिसके तहत लोगों को समझाइश दी जाती है, जिस तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है कि यदि अधिकांश जो दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा हेड इंजरी होती है और हेड इंजरी से बचने का एकमात्र उपाय होता है हेलमेट। जहाँ तक फेटल एक्सीडेंट की बात है उसमें 90% केसेस जो हैं वो हेड इंजरी से, और हेड इंजरी को सुरक्षात्मक बचाव का उपाय एक ही है, वो ये सिर्फ हेलमेट। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।